हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से डॉक्टर ए के प्रसाद यानी अनिल पतंगा नमस्कार। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं, और काम में वो घंटा बांध के नहीं कर रहा हूं। और आज आपके सामने जो पेश कर रहा हूं वो आपके आहार से संबंधित कुछ चीजें हैं, और वह है स्वास्थ्य वर्धक रोटियां। हम लोग रोटी तो खाते ही हैं, और सब लोग रोटी खाते हैं कम से कम अपने देश में, और रोटियों के गुणों से भी अवगत है, लेकिन रोटियों को स्वास्थ्य के लिए, पेट भरने के लिए लोग खाते हैं। रोजी रोटी का सवाल है बाबा। रोटी मतलब रोजगार, रोजी मतलब भर पेट अन्न। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं कि रोटी स्वास्थ्य के लिए कैसे आप उसमें रोटी को बना सकते हैं स्वास्थ्य वर्धक, तो सबसे पहले देखिए, जब हमारा आरोग्य आहार की चर्चा होती है, जब आप करते हैं, तो उसमें हम एक वो क्या कहते हैं कि सभी कई अनाजों का मिश्रित है, वो मिक्स्ड जो आटा है उसकी बात करते हैं, तो मल्टीग्रेन आटा भी उसको कहते हैं कि कई अनाजों के आटाओं को मिला के। तो जिसमें आप देखिए, आप उस आटा को मिलाइए तो जरूर छलनी से मत चलिए। होता क्या है कि लोग कोई भी आटा को बड़ा महीन पिसाते हैं और उसको फिर छलनी से छाल के उसको फेंक देते हैं चोकर को। श्रीमान, अनाज के ऊपरी परत पर ही सारे उसके पौष्टिक तत्व तो मौजूद हैं, इसलिए उसे चाले नहीं। गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, जौ या और जो भी चीज आपको मिल सके उसको मिला के आप आटा को बनाएं और उसकी रोटी को खाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आदमी स्वस्थ रहेगा, सभी रोगों से मुक्त रहेगा। एक और आटे के में हम चार तरह के हर्बल मिलाने की बात आपको कर रहे हैं। आप उसमें से इस हिसाब से मिलाइए, आप जानिए, लेकिन 500 ग्राम गेहूं अगर आप का आटा बनाते हैं या कोई आटा मिक्स ये मल्टीग्रेन आटा लेते हैं, तो उसमें एक चम्मच यानी 5 ग्राम अलसी, 5 ग्राम तिल, 2.5 ग्राम कलौंजी और 2.5 ग्राम अजवाइन डालिए और उसको आटा गूंथ के रोटी बनाइए। देखिए, अलसी के बारे में आप जानते हैं कि अलसी में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह वगैरह होने के कारण यह हमारे वजन को भी ठीक करता है, यह हमारे डायबिटीज में लाभ करता है, ब्लड प्रेशर में लाभ करता है, कोलेस्ट्रॉल में लाभ करता है, तिल के लाभ से अवगत है, काफी उपयोगी है। कलौंजी तो है कि वो मृत्यु को छोड़ के सभी रोगों को दूर कर सकता है, और अजवाइन खास करके हमारे पेट के लिए तो बहुत ही रामबाण है, और जिसका पेट ठीक है उसका कुछ खराब नहीं हो सकता। तो इन चार चीजों को, जिसकी मात्रा हमने बताया कि 500 ग्राम गेहूं के आटे में 5 ग्राम अलसी, 5 ग्राम तिल, 2.5 ग्राम कलौंजी और 2.5 ग्राम अजवाइन मिला के अगर आटा गूंथते हैं और उसको उसकी रोटी अगर खाते हैं, तो आप सर्व रोग नाशक दवा खा रहे हैं। उसके बाद आपको किसी भी दवा खाने की जरूरत नहीं भी हो सकती, हम तो खान पान के कारण ही बीमार है ना। अब देखिए, एक तीसरा बताते हैं, धनिए की रोटी। धनिए की चटनी आपने सुना होगा, धनिए की बहुत सा जूस सुना होगा, आज रोटी की बात मैं कर रहा हूं। तो वो जो आटा है मल्टीग्रेन आटा या गेहूं में, उसमें धनिए के पत्ते का रस निकाल लीजिए और उस रस को आप उसमें आटे में गूंथ के आप रोटी बनाइए, तो आपका क्या होगा, उससे होगा आपका कि पेशाब साफ होगा, रक्त में अगर कमी है, एनीमिया का शिकायत है, अगर होमोग्लोबिन कम हो रहा है उसको बढ़ाएगा, लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, पेट और किडनी रोग में भी ये काफी लाभ करता है। तो धनिए की रोटी भी आप खाएं और आप देखिए कितना जबरदस्त लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। मुनगा, सहजन, उसके उपयोग की बहुत चर्चा हुई है, लेकिन रोटी में क्या करेंगे? सहजन के कोमल पत्ते को सालों भर मिलता रहेगा, आपके आसपास कितने वृक्ष हैं, उसके पत्ते का रस निकालिए, उसको उसी तरह आटा में गूंथिए, तो देखिए ये क्या करेगा कि आपके गठिया में लाभ करेगा। शुक्र में अगर किसी पुरुष को शुक्र की कमी हो गई हो या सेक्स कमजोर हो गया हो, तो उससे होगा, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, अस्थमा को दूर करेगा, आपके मधुमेह को दूर करेगा, और इस तरह से मुनगा या सहजन जिसको कहते हैं, वो आपके लिए उसकी रोटी
मैंने आटे में गूंथना है, ये हमेशा आप सोच लीजिए जब ये रोटी की बात कर रहे हैं, तो वो अब काफी आपके लाभदायक हो सकते हैं। लौकी, लौकी की सब्जी खाते हैं, लौकी का जूस भी पी रहे हम लोग खूब, लेकिन लौकी जो है अगर लौकी का वही जूस निकालिए या रस निकालिए या उसी का पेस्ट बना के आटे में गूंथ दीजिए और तब रोटी अगर खाइए तो आंतों के लिए रामबाण है, आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग को तो दूर करेगा, गठिया आपके प्रदर महिलाओं के लिए, मधुमेह, और अगर किडनी में स्टोन हो, यूरेटर में स्टोन हो तो उसको भी दूर करेगा, आपके जॉन्डिस के लिए भी काफी लाभ होता है, और काफी इस तरह से देखिएगा कि अनेक रोगों में वो काफी आपके लिए लाभकारी होगा। पालक की चर्चा करें तो पालक पनीर, पालक कचौड़ी, बहुत सारे आप हम लोग खाए भी हैं, आप भी खाए होंगे। अब इसमें देखिए पालक में मैग्नीशियम, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपका सोडियम, पोटासियम इत्यादि, ये एमिनो एसिड वगैरह होता है, तो इसको अगर आप इसका रस निकालिए या पेस्ट बना के अगर आटे में गूंथ दीजिए तो वो कब्ज, पेट के लिए तो रामबाण है ही। आप देखिए अस्थि के लिए, अस्थि माने हड्डी के लिए, दांत के लिए, नाखून के लिए, ये आपके वेट को भी लॉस करेगा। अगर जो ज्यादा वजन के हैं उनको पालक का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि स्टोन वाले लोग इसका प्रयोग ना करें, स्टोन जिसको होता है उसको कैल्शियम कम लेना चाहिए। अब मेथी की चर्चा करें तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो हर्बल्स है, औषधियों में मेथी शुमार होता है। मेथी का अब क्या कीजिएगा, मेथी का पत्ता ले लीजिए, उसका रस निकालिए या फिर पेस्ट बनाइए और आटे को गूंथ लीजिए, रोटी बना के खाइएगा तो जोड़ों का दर्द, मधुमेह, आपके किडनी, पेट और रक्त शुद्धि के लिए, और आपका जो ब्लड का जो शुद्धता है उसको भी दूर करता है, ब्लड प्रेशर के लिए तो ये रामबाण है ही। अब देखिए आपका गाजर, विटामिन ए बी और सी से भरपूर, ये आंख की ज्योति को बढ़ाता है, कैंसर सेल्स के लिए ये काफी मैंने प्रभावकारी है, कैंसर सेल को कम करता है, नष्ट करता है। एनीमिया, एनीमिया आप समझ रहे हैं कि आपका होमोग्लोबिन बढ़ाएगा, गाजर का प्रयोग करेंगे, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति कराएगा। इसके बाद जो नंबर आता है मूली का, मूली को भी मत छोड़िए। देखिए मूली, मूली जो होता है वो काफी ये लाभकारी होता है और उसके भी आता है, देखिए उसको लीजिएगा तो आपका मोटापा, आपका देखिएगा उसका मधुमेह दूर होगा, आप देखिए उसमें आपका ये कफ, जुकाम, खांसी या और भी दूसरे श्वास रोग हैं उसकी रोटी खाने से वो कम हो सकता है, कब्ज में तो लाभ करेगा ही। अब देखिए पेशाब की अधिकता अगर है तो आप मूली का प्रयोग जरूर कीजिए, दांत में अगर किसी तरह की समस्या हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आलू में विटामिन सी काफी मौजूद होता है, उधर देखिए इसको पेट के लिए आलू का भी पेस्ट बनाइए या उसका रस निकाल के, उसका तो फल का भी निकाल, उसका तो निकाल सकते हैं जैसे भी हो, और वो उधर कब्ज और गठिया, अर्थराइटिस, इन तमाम रोगों में आपको लाभ करेगा। इस तरह से अभी हमने आपको 10 तरह की रोटियां बनाने की बात की है, इस तरह के रोटियों का अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि रोटी आपके लिए कभी अस्वास्थ्यकर नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए और आज से उत्कृष्ट रोटियों का सेवन करने की सलाह और कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।